assalamu alaikum students so today we are going to study the eighth chapter of your textbook the letter a by christy brown so it's an autobiography of uh, christy brown and uh, before going through the chapter uh, i'll just uh, give a brief introduction about the writer uh, christy brown born on june 5 1932 was an irish novelist poet and painter who had cerebral palsy and was able to write or type with the toes of his left foot his most noted work is his own autobiography my left foot 1954 which was later expanded into novel down all the days in 1970 and went into became the bestseller he died on 7 september 1981 in england नाउ कमिंग बैक टू द चैप्टर द लेटर ए विच इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ क्रिस्टी ब्राउन तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्रिस्टी बाउन के बारे में जो कि इसने खुद लिखी है ये मतलब जो जो स्टोरी है इसने खुद लिखी है और ये इसके अपने बारे में है कि किस तरह से मतलब इसके पेरेंट्स को पता चला कि इसको एक न्यूरोपैथिक प्रॉब्लम है सीरो सॉरी इट्स सेरिब्रल पैलेसी तो इसको एक न्यूरोपैथिक प्रॉब्लम थी जिसमें एक पर्सन फिज़िकली और मेंटली हैंडीकैप्ड होता है तो इस चैप्टर में हम इस बारे में पढ़ेंगे और किस तरह से फिर इसकी मदर ने रिएक्ट किया जब उसको पता चला कि इसके बेटे को सैरबल पैलिसी की प्रॉब्लम है और फिर किस तरह से मतलब इसका इसकी जो मदर है वो हमेशा इसका साथ देती थी जिस तरह से वो बा, अपने बाकी बच्चों से प्यार करती थी सेम उससे ज़्यादा इससे प्यार करती थी और इसका ख्याल रखती थी तो इसमें हम पढ़ेंगे कि जब क्रिस्टी ब्राउन पैदा हुए तो फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जब ये मतलब अब ग्रो हुए अब अबाउट ही वॉज फोर मंथ्स ओल्ड तो इसकी माँ को पहले पता चला कि मतलब इसके बच्चे में कुछ प्रॉब्लम है ही वॉज फोर मंथ्स ओल्ड ही वॉज नॉट एबल टू होल्ड हिज हेड मतलब जिस तरह से नॉर्मली बच्चों का सिर होता है ऐसे नहीं इसका जो मतलब हेड है वो बार बार पीछे की तरफ फॉल होता था पीछे की तरफ जाता था ही वॉज नॉट मतलब कंट्रोल नहीं था इसको अपने हेड पे तो उसके बाद उसकी माँ ने उतना ध्यान नहीं दिया फिर जब ये छः महीने का हुआ तो ये बॉटल नहीं पकड़ पाता था हाथों से इसके हाथ बिल्कुल क्लेंचिड थे मतलब बंद होती थी इसकी मुठियाँ और मतलब किसी भी मतलब सपोर्ट के बिना ये बैठ नहीं पाता था जब कोई सपोर्ट रखते थे पीछे पिलोज या कुछ उसके बाद ये उसके साथ टेक लगा के बैठ जाता था तो जब ये छह महीने का हुआ तो इसकी मदर को लगा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो है तो इसने इसको डॉक्टर के पास लिया तो वहां पे जब डॉक्टर ने इसको एग्जामिन किया उन्होंने कहा कि इसको सेरेब्रल पैलेस है ही इज हैविंग दिस न्यूरोपैथिक प्रॉब्लम और ये फिजिकली एंड मेंटली रिटार्डेड है तो इसकी मदर ने कहा कि मैं मान सकती हूँ कि मेरा बेटा फिजिकली रिटार्डेड है मगर ये मैं कभी मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि मेरा बेटा मेंटली रिटार्डेड है एंड बींग द टेंथ चिल्ड्रन इन अ फैमिली ऑफ ट्वेंटी टू ट्वेंटी टू बच्चे थे और ये दसवा इनका बच्चा था और सेवनटीन अलाइव थे और बाकी बच्चों की डेथ हो गई थी लेकिन इसकी माँ ने हमेशा इसको उतना ही प्यार किया जितना ये अपने नॉर्मल बच्चों से प्यार करती थी और उनसे ज्यादा ख्याल इसका रखती थी तो बारह महीने का हुआ बारह महीने एक मतलब बारह महीने का हुआ तो उसके बाद भी जो क्रिस्टी ब्राउन है ये बिना किसी सपोर्ट के बैठ नहीं पाते थे इसको फिर से मतलब पीछे से या पिलोज कुछ रखना पड़ता था तब जाके ये उसके साथ टेक लगा के बैठ पाते थे ना जब ये पांच साल का हुआ ना ये बात कर पाता था ना ये किसी की बात सुनता था और इसका जो हर एक बॉडी पार्ट था इट वॉज यूजलेस किसी काम का नहीं था मतलब इससे कोई काम नहीं हो पाता था इनटेंटिव था मतलब किसी की बात इसको समझ नहीं आती थी कम्युनिकेट नहीं कर पाता था किसी के साथ इवन एट द एज ऑफ फाइव ईयर्स तो इसकी माँ क्या करती थी मतलब उसने अपनी मतलब जो हिम्मत है वो कभी नहीं हारी वो इसको पिक्चर्स दिखाती थी एनिमल्स के फ्लावर्स के और मतलब उनके नाम बोलती थी और वो चाहती थी कि वो रिपीट करे ताकि मतलब इसको सिखा सके कि, कि कम्युनिकेट कैसे किया जाए लेकिन ये नहीं कर पाता था और जब इसके रिलेटिव्स इसकी मदर के रिलेटिव्स इनके घर आते थे तो वो कहते थे कि ये एक मतलब नॉर्मल चाइल्ड नहीं है हम तो इसको इतना सीरियसली मत लो मतलब इसके पीछे इतना एफर्ट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है तो तुम तो इसको इतना सीरियसली मत लो लेकिन इसकी माँ ने कभी भी हिम्मत नहीं हारी तो ऐसे ही इसी मतलब अब दिन गुजरते गए और एक दिन कुछ इंटरेस्टिंग सा वाका हुआ इनके घर में इसके जो भाई बहन है अब वो मतलब काम लिख रहे थे स्लेट्स जो ब्लैक स्लेट्स हैं उन पे लिख रहे थे कुछ अपना होमवर्क चॉक से जो कलर कलरफुल चॉक्स आते हैं डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के चॉक आते हैं तो एकदम से इसने क्या किया अपनी बहन के हाथ से एक येलो कलर का चॉक लिया अपने लेफ्ट फुट से और छीन लिया और टोज के बीच में रख के कुछ लिखने लगा केयरलेसली मतलब इसको नहीं पता था मैं क्या लिख रहा हूँ एक मतलब स्लेट पे तो जब इसकी माँ को पता चला वो एकदम से आ गई और वो देखने लगी कि ये क्या कर रहा है तो इसकी माँ ने क्या किया, किया कि फ्लोर पे ऐसे ए बनाया तो उसको कहा कि आप ऐसा ही सेम स्लेट पे लिखो तो इसने ट्राई किया दो लाइंस बनाई जो ए की होती है दो साइड्स की लाइंस वो बनाई और उसके बाद इसके हाथ से जो चौक है सॉरी इसके जो पैर में जो चौक था टोज में वो टूट गया और इसने फेंक दिया मतलब का इसको गुस्सा भी आ गया या मतलब ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड उसको लगा कि शायद मुझसे नहीं होगा तो इसने वो एकदम से फेंक दिया लेकिन इसकी माँ ने इसको हिम्मत दी और फिर से चौक इसके टोज में रखा तो उसने क्या किया क्रुक्ट सी लाइंस बनाई एंड ही वॉज सक्सेसफुल इन राइटिंग ए सो दिस यहाँ पे हमें पता चलता है कि जो इस चैप्टर का नाम रखा है द लेटर ए सो so इस एज पे ये लेटर ए लिखने में सक्सेसफुल हुआ जस्ट बिकॉज कि इसकी मदर ने इसका हमेशा इसका साथ दिया और इसने भी थोड़ी हिम्मत दिखाई मतलब इट्स नॉट ये मतलब कोई मजाक नहीं है कि हम टोज की मदद से कोई काम कर सकें लेकिन इसने भी हिम्मत दिखाई और इसकी मदर ने भी हमेशा इसका साथ दिया तो उस वजह से ये इस चीज में कामयाब हुआ